नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां पे होगा आपके दांतों का इलाज एकदम सस्ते में। तो इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। वीडियो शुरू करने के पहले जो यहाँ पे नए हैं मैं उनको बता देता हूँ, आप आए हैं एक प्रॉपर डेंटल चैनल में जहाँ पे आपको मिलेगी आपके दांतों से जुड़ी समस्याओं का हल, उसके बारे में पूरी डिटेल्स, उसमें क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, कितना खर्चा आता है इलाज में, तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। आप जाके वीडियो लिस्ट को चेक करिए, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया है। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उसकी भी सुविधा ऑलरेडी मैंने दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वो जाइए, वीडियो देखिए और उस रूल को फॉलो करके आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है उसका हल पूछ सकते हैं। तो गाइज, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रैक्टिस में बहुत लोगों को मैं देखता हूँ जब वो आते हैं किसी प्रॉब्लम से कि तकलीफ़ हो रही है, तो जब मैं देखता हूँ उनका कंडीशन दांत का तो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। किसी किसी की एज तो सिर्फ 21-22 साल होती है, जो व्यक्ति अभी मतलब जवान भी ठीक से नहीं हुआ है उसके दांत इतने ख़राब हो गए हैं मानो कि 60 साल का आदमी हो या 70 साल का आदमी हो। तो देख के मुझे इतना ख़राब लगता है, और मैं जब पूछता हूं उनसे कि क्यों भाई आप अपना दांतों का ध्यान क्यों नहीं देते, तो दो ही उनके आंसर रहते हैं कि एक तो सर तकलीफ़ नहीं होती तो ध्यान नहीं दिया, और दूसरा कि दांत में कौन इतना खर्चा करे। तो गाइस, दोनों जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ख़राब है। पहली तो कि दांत में तकलीफ़ नहीं हुई, अगर आपके चेहरे में दाग पड़ा है तो आप डॉक्टर के पास दौड़ के जाओगे कि सफ़ेद दाग पड़ा है, तुरंत जाओगे कि नहीं? चाहे गरीब से गरीब आदमी भी होगा वो भी जाएगा कि यार ये क्या हो गया मेरे चेहरे में या हाथ में सफ़ेद दाग पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो दिख रहा है, ख़राब दिख रहा है। तो आदमी दौड़ के जाएगा क्लिनिक में कि देखो क्या हुआ है सर मेरे को। क्यों? उसमें तो दर्द नहीं हो रहा है ना, सिर्फ दाग तो पड़ा है ना, क्यों? दिखने में गंदा दिख रहा है। वैसे ही ये आपके दांत है भाई, अगर कुछ ख़राब हो रहे हैं तो आपको तो पता चल रहा है, देख के पता चल रहा है कि ख़राब हो रहे हैं, तो दर्द का इंतज़ार क्यों करते हो? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है। उसको भी जाके ठीक कराओ, क्योंकि वही तो आपके खाने पीने के लिए काम आने वाला है। दूसरी बात कि पैसा खर्चा होगा, तो ये जो जिन लोगों का ये सोचना है कि दांत के इलाज में पैसा खर्चा होगा इसलिए मैं नहीं इलाज करा रही और सालों से कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहा है, ऐसा होता है, बहुत लोग का तकलीफ होता है। और अच्छे अच्छे लोगों को जिनके पास पैसे की भी कमी नहीं है उनको भी मैं देखा हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अगर इधर पर खाने में दर्द होता है तो एक उस साइड से खाना ही छोड़ देते हैं। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप में बहुत सारे लोग होंगे जिनको तकलीफ होगी दांत में और वो उस तरफ से खाते नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि खाते हैं तो वहाँ पर तकलीफ होती है तो उधर से नहीं खाते। लेकिन ये बात ठीक थोड़ी है। आपको अगर खाने में तकलीफ हो रही है तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे साइड से खाना शुरू कर दें, ऐसे में तो ये कॉम्प्रोमाइज वाली बात हो गई, ठीक है? तो आप जिस जगह पे तकलीफ हो रही है उसको आपको ठीक कराना है, आप समझिए उस बात को। आप अपने ही फायदे के लिए करा रहे हैं, आप अपना दांत का इलाज कराएंगे तो अपने लिए ही कराएंगे, ना कि आप अपने बाजू वाले के लिए कराएंगे, तो ठीक है? तो अपना खुद का ध्यान रखिए। और मेन बात यह होती है कि अगर आपको लगता है कि इसमें खर्चा होता है तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि देखो, आपको अगर दांत के इलाज में खर्चा नहीं करना चाहते तो आज मैं आपको बता देता हूं कि आप कहां इलाज कराएं जिससे आपका खर्चा बहुत कम से कम हो, ठीक है? ये सोचना गलत है कि अगर आपके पास पैसे कम है तो आप इलाज नहीं करा सकते, कॉम्प्रोमाइज़ में चलो, ये मत सोचिए। आपको सुविधा मिलेगी, आपका भी इलाज होगा, ज़रूर आपके पास पैसे नहीं है तब भी होगा, ठीक है? तो आज मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर आप इलाज करा सकते हैं। दो जगह है जहाँ पे आपके इलाज बहुत ही सस्ते में होंगे अगर कंपैरिजन किया जाए प्राइवेट हॉस्पिटल से, वो है डेंटल कॉलेजेस, ठीक है? एक होता है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस और दूसरा प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस। चाहे आप गवर्नमेंट में जाओ या प्राइवेट में जाओ, दोनों जगह आपका इलाज बहुत ही सस्ते में होगा। अब इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए गवर्नमेंट और प्राइवेट में, तो गवर्नमेंट में और ज़्यादा सस्ते में होगा, प्राइवेट में थोड़ा सा उससे 200-300 रुपये ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर इन्हीं दोनों का हम प्राइवेट क्लिनिक से कंपैरिजन कर लेते हैं तो हज़ारों का फ़र्क आ जाता है। मान के चलिए अभी मैं एक ट्रीटमेंट बता देता हूँ जो बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है दांतों में, वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है? अभी प्राइवेट में आप जाते हैं तो 3-4 हज़ार रुपये भी खर्चा आ जाता है, लेकिन यही आप ट्रीटमेंट अगर कॉलेजेस में करा लेते हैं
तो आपको खर्चा आता है मान के चलो 500 से 1000 रुपए में काम हो जाता है, और सरकारी में जाके कराते हैं तो मान के चलो 500 भी खर्चा नहीं आना है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है, तो जिसको भी पैसे का समस्या है वो यहाँ पे जाके इलाज करा ले। अभी यहाँ पे कौन कौन सा इलाज कराए और कौन सा नहीं कराना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दांतों में बहुत सारे इलाज होते हैं, है ना, दांत में दर्द हो रहा है उसका इलाज होता है, नकली दांत लगाने का इलाज होता है, दांतों में तार डालने का इलाज होता है, तमाम के होते हैं, दांतों को निकालना होता है, सर्जरी करनी पड़ती है। तो देखिए अगर आप कॉलेजेस में कराते हैं ट्रीटमेंट तो आप छोटे ट्रीटमेंट कराइए, बड़े ट्रीटमेंट में वहाँ एडवाइज़ नहीं करता। बड़े ट्रीटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होता है, ब्रेसेस ट्रीटमेंट, तो तार वाला ट्रीटमेंट मैं वहाँ पर मना करूँगा। क्योंकि अगर आप प्राइवेट में कराते हैं तो आप जिस डॉक्टर से स्टार्ट करवा रहे हैं वही डॉक्टर आपका अंत तक काम करेगा, लेकिन अगर आप कॉलेजेस में करा रहे हैं तो कई बार डॉक्टर चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट स्पैन बढ़ जाता है। मतलब जो इलाज आपका साल से डेढ़ साल या दो साल में होना चाहिए वही तीन साल चार साल भी चला जाता है, तो ये प्रॉब्लम आती है बड़े ट्रीटमेंट में, ठीक है। क्योंकि कॉलेज में कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है कि आपकी कोई जिम्मेदारी ले के वो पूरा काम कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस तरह से काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन खर्चा बहुत कम आएगा, जहाँ पे प्राइवेट में आपका मान के चलो इस ट्रीटमेंट 50,000 तक का खर्चा हो जाता है, 50-60,000, वहीं कॉलेज में आपका मान के चलो 10-15-20,000 में भी हो जाए, 10 से 15,000 में नॉर्मली हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि अगर एकदम ही पैसा बचाना है तो आप जाओ और ये कॉम्प्रोमाइज़ कराओ कि जो डेढ़ साल का काम है वो तीन साल में हो रहा है, तो ये चीज़ आपको, इसका डिसएडवांटेज है इस ट्रीटमेंट का। अब कौन कौन से ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, जैसे छोटे ट्रीटमेंट, मतलब किसी को अगर दांत निकलवाना है, ठीक है, अब दांत निकलवाना है तो आप जाइए, वो एक बार का काम है, तो वहाँ पे आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे, प्राइवेट में थोड़े ज़्यादा लगेंगे, कॉलेजेस में कम लगेंगे, ठीक है। दूसरा रूट केनाल ट्रीटमेंट अगर कराना है तो रूट केनाल के लिए भी जा सकते हो, हालांकि रूट केनाल प्राइवेट में 2 से 3 विजिट में हो जाएगा, आपका कॉलेजेस में 5 से 6 विजिट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये छोटे छोटे जो ट्रीटमेंट है वो आप एडवाइस मेरा रहेगा आप करवाइएगा, वहाँ करवा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, देखिए यार हर व्यक्ति जो मेरा वीडियो देख रहा है वो दो तरह के व्यक्ति देख रहे हैं मेरा वीडियो, एक है जिनके पास पैसे हैं लेकिन टाइम नहीं है, और दूसरा है जिनके पास पैसे की कमी है और टाइम बहुत है। तो जिनके पास पैसे की कमी और टाइम बहुत है उनको मैं एडवाइस दूंगा कि ऐसी जगह पे जाके आप इलाज कराओ, क्योंकि अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा है, फ्री टाइम है, तो आप जाके वेट कर सकते हो, क्योंकि आप कभी भी कॉलेजेस जाते हो तो आपको रुकना पड़ता है, आपका ऐसा नहीं कि तुरंत नंबर लग गया और एक घंटे के अंदर आपका इलाज होकर वापस आ गए। आप जब भी जाओगे ऐसे इंस्टीट्यूट में इलाज कराने तो मान के चलो आपका 3 से 4 घंटा लग सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भीड़ रहती है और वेटिंग करना पड़ता है। लेकिन वही प्राइवेट अगर आप क्लिनिक्स में जाते हो तो प्रॉपर अपॉइंटमेंट दिया जाता है और उस अपॉइंटमेंट में आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट किया जाता है, तो आपका समय बहुत बचता है और इलाज भी फास्ट होता है। तो जिसके पास टाइम की कमी है और पैसा दे सकता है तो वो तो क्लिनिक में ही जाकर काम कराए, और जिसके पास पैसे की कमी और टाइम बहुत सारा है तो वो अपना टाइम दे। तो दो ही चीज़ है, या टाइम दो या पैसा दो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी, आप को क्या अच्छा लगता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आपको किस तरह से अगर आप जाते हैं कॉलेजेस में तो क्या क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए, बाकी आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस। और हर एरिया में, जैसे आप कहीं भी रहते हैं, हिंदुस्तान के कोई भी कोने में रहते हैं तो वहाँ पे, मैं विदेश का तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंडिया में कहीं भी आप रहते हैं, चाहे आप महाराष्ट्र में रहते हो, मध्य प्रदेश में रहते हो, आप उड़ीसा में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, साउथ में रहते हो, कहीं भी रहते हो, हर जगह डेंटल कॉलेजेस हैं। आपको जस्ट करना क्या, आपको गूगल में सर्च करना है कि कौन सा आपके नियरेस्ट डेंटल कॉलेजेस है, ठीक है, आप वहाँ जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए और ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पैसे बच जाएंगे और इलाज हो जाएगा। तो ये मत सोचिए कि यार पैसे नहीं है तो इलाज नहीं करा सकते, इलाज आप करा सकते हैं, आपके आसपास ही है फैसिलिटी, बस आपको देखने की ज़रूरत है। तो आज मैंने आपको गाइड कर दिया, होप सो वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करके इंक्रेज ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कि वो भी अगर पैसे के कारण नहीं इलाज करा पा रहे तो भाई करा सकते हो, पैसे की ज़रूरत नहीं है, इतनी सस्ते में इलाज हो जाएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरी मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।